हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फर्स्टली जो है इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होंगा आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय दिया रहता है, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय नहीं दिया होता। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में एक यही डिफरेंस है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो टाइम गिवन होता है, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम गिवन नहीं होता। ठीक है, दोनों में काम कॉन्टिन्यू चल रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन डिफरेंस आपको याद रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फर्स्टली क्या यूज़ होता है? सब्जेक्ट, देन विल, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस टाइम रेफरेंस। इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फोर और सिंस का यूज़ होता है। ठीक है, फोर का यूज़ कब होता है? जब हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं होता। और सिंस का यूज़ कब होता है? जब हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन होता है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस हैं देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अफिर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसके एग्जांपल हैं ये आपको जो भी गिवन है। तो फर्स्ट इज़ द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। सेकेंड इज़ द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। माता जी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी। थर्ड इज़ द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड फॉर एन आवर। लड़के जो हैं 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। फोर्थ इज़ द चीफ मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर एन आवर। मुख्यमंत्री 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। लास्ट इज़ ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। तो ये स्टूडेंट्स एफिर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल है। तो इसमें आपने देखा होगा कि फर्स्टली हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, देन विल हैव बीन और शैल हैव बीन का, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम रेफरेंस। ठीक है, क्लियर है आपको? अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का भी स्ट्रक्चर है देखो गिवन है। फर्स्टली सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन विल शैल, देन नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस का हम यूज़ करेंगे तो नॉट का यूज़ ध्यान से करना है। नॉट का यूज़ जो है विल और शैल के बाद में होगा। ठीक है, विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन, ये ध्यान रखना है कि आफ्टर विल एंड शैल वी यूज़ नॉट। ठीक है, तो इसके भी कुछ जो है नीचे एग्जांपल गिवन है देखो नेगेटिव सेंटेंसेस के भी। द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। सितारे 6 बजे से आसमान में नहीं चमक रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि यहाँ पे टाइम गिवन है, मींस एग्जैक्ट टाइम गिवन है, तो उसके साथ हमने सीन्स का यूज़ किया है। सेकंड इज़ द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग इनवॉइस सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 मंथ्स। वह 6 महीने से फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा होगा। He will not have been running his business since April.
वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखी होगी कि फोर जो है वो तब यूज़ होता है जब एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं होता और सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है। और इसमें नॉट का यूज़ जो है विल और शैल के बाद ही किया गया है, ठीक है। तो लास्ट कौन से आते हैं, देखो लास्ट आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जब वाक्य के शुरू में क्या हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, देखो फर्स्टली हम विल शैल का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर एंड देन टाइम। तो इसके भी कुछ एग्जांपल गिवन है, देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे, और पीछे इसमें क्वेश्चन मार्क भी गिवन है। सेकेंड इज विल विनोद हैव बीन बाथिंग ऑन द रिवर बैंक फॉर वन आवर, क्या विनोद एक घंटे से नदी के किनारे नहा रहा होगा। विल द क्लाउड्स हैव बीन शावरिंग द वाटर फॉर टू आवर्स, क्या बादल दो घंटे से पानी बरसा रहे होंगे। विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ फॉर वन आवर, क्या राहुल एक घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने नोट किया होगा कि फर्स्टली हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था जो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।